गति को इंसिता माझी रावला उड़ीसा खुन आर इंजा सानतारी ब्लॉग रे आपे जेते होड़ा से गुंद्राम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू सानतारी ब्लॉग। सो गति को नितो इंजा लो वाटर लिली दारे जहाँ चे खराब होकना और मान नुकु सकुलन देखा पे जहाँ चे अड़ी बेस में आको कोई हाँ सकुलन बाको खराब आकना। सो मिट्टे बारे सा काम को खराब बड़ा आकना को पर दारे अड़ी बेस है। प्लांट बहुत अच्छी है और हेल्दी है और मैं कल ही इनको सफिशेंट यानी कि बहुत अच्छी तरह से पानी दी हूँ और दो तीन दिन में छोड़ के एक बार में पूरा यानी कि मिट्टी पॉट के नीचे से पानी जैसे ड्रेन आउट हो जाए ऐसे में पानी देती हूँ और थोड़ा सा मिस्टिंग भी कर देती हूँ। और दारे साइज अड़ी सेना इसकी साइज बहुत बड़ी है और बिग साइज है और अड़ी बेस्ट ग्रो आकना। सो इन जहाँ चे नोना माइक्रोलोटस नुई बहा है ना। सो नोना निकन आकना सो निक बहा आए और नुई लियानली तो बांग करना। सो लियानली नहीं है ये माइक्रोलोटस है। सो मेरे पर्पल कलर का जो वाटर लिली था उसका बल्ब खराब हो रहा। सो प्लांट देखी ऐसा है कुछ। सो इन भारत चलावल नहीं था। सो दिसम चलावल नहीं था आज नई फॉरन वाले इनखेना कुछ बागन वाले निकलना और सकाम हो जितने हो जा। सो पत्ते इसके भी सूख गए हैं जो कि मैं इसको प्रोपोगेट नहीं कर सकती हूँ। अगर पत्ते ग्रीन होते तो उससे भी प्रोपोगेट हो जाते। सो जितने पत्ते इसके ग्रीन होंगे मैं उन सबको रख दूंगी और जितने खराब होंगे उन सबको मैं निकाल दूंगी। सो प्लांट बहुत ही अच्छे और हेल्दी था। सब पता नहीं कैसे ये खराब होना स्टार्ट हो गया पर इसका यानी कि मैंने इसके प्लांट कुछ बना ली थी जो कि सेब है और लिप से भी मैंने कुछ प्रोपोगेट की हूँ जो कि इसी पॉट में ही है। सो उनको कहो रिपोर्ट कोई और दारे ओडो की। सो पत्ते देखिए जैसे ओडोको करना को सियाई दी कहना जहाँ चल कर बल्ब तेज सिया करना। सो ये मल्टीप्लाई तो बहुत कम होता है सिर्फ लिप से आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। सो इन जहाँ तक अगर वाटर ले ली रोहे कर उनको जान मल्टीप्लाई में बाकू ये करना। सो सकाम न्यू न्यू वेराइटी की सकाम तो प्रोपोगेट करना और बाकी बात मिट्टा बारे हम उनको आको और नुकू को जितने खराब दिया करना को सो नुकू को बाको गाना। और ऑलरेडी नुकी की मैंने एटा दारे बनाओ ठीक लें। सो इन टेंशन बनो नहीं चाहिए नुई बचा है चाह पर नुए बचा हो गया। सो इसका 50% खराब हो गया है 50% बाकी है। सो देखते हैं कितना मैंने चेत चिकाई नुई के आज जहाँ को गए नुकू को लिखते प्रोपोगेट लड़को सो उनको कोड़का को करना। सो इन सबको मैं निकाल रही हूँ और इन सबको मैं फंगिसाइड के पानी में रखूँगी। और इसको कम धूप मिल रहा था तो ज़्यादा उतना नहीं मिल रहा था शायद इसमें या तो फर्टिलाइजर ज़्यादा हो गया होगा या तो और कुछ पता नहीं या तो छाँव बहुत ज़्यादा हो गई होगी। सो जस्ती उमूल खान तो उनाते हों दारे तापे खराब हो। सो ज़्यादा अगर छाँव इसको मिल जाएगी तो उससे भी इसका प्लांट यानी गलना स्टार्ट कर लेता है। सो इसलिए इसको ज़्यादा छाँव पसंद नहीं है। आप इसको आधे घंटे या तो एक घंटे की सफिशेंट धूप मिले तो ये प्लांट बहुत अच्छे और हेल्दी रहता है। सो मैं इसके पानी में निकाल दे रही हूँ। सो ओडोगिन दा जैसे ड्रेन आउट पर नुई के ओडोगी और नियली चे चिका कर कंडीशन नहीं तो चिलका और दारे रे नोड़े मिट्टा दारे यानी कि एक दो प्लांट ही इसके साइड ओडोगा करना मैंने दारे साइड ओडोगा करना जहाँ से नल पे ताला खुद खराब होकना। सो ये बीच से खराब हो रहा है। सो ताला खुद खराब होकना सो उड़ोकते गे नुके जहाँ चिका दाड़ी सो पूरा उड़ गई। अगर आपका प्लांट भी ऐसे अगर खराब हो रहा है तो आप उसको तुरंत निकालिए उसको ज़्यादा देर मत कीजिए। जहाँ तीन दिन लेट आप उन लागे और उन जस्ती खराब पा जहाँ से सेप नुके मुश्किल हो। सो इसको सेप करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपका प्लांट भी ऐसे कंडीशन अगर दिख रहा है या तो ऐसे है तो आप इसको तुरंत निकालिए और इसको वॉश कीजिए। सो इन नुकी हो गई और ये वाली प्लांट जो कि मेरे बहुत पुरानी यानी कि 2 ईयर्स हो चुके हैं इसको तो चिरों मांगकर नुकी उड़कती हुई और उड़की कनी। और बेस ये भाई ये सबसे हार्डी वाली वेराइटी थी जो कि ये खराब हो रही है। तो मिट्टी इसकी पूरी यानी कि रेहत अड़ी जस्ती फैलावा करना जहाँ से जगह के बोनू यार ओडोक के बाई गाना करा। सो नूनी ना उनके ओडोक के दिन हंसा और अरुबी। सो इसको धोने के बाद इसको देखूँ कितना क्या हुआ है। सो ओडो किया और अरुबिया और नुई और हेड को दोनों बंद हो या ना। सो इसकी रूट्स को आप कट कर सकते हैं क्योंकि इसकी रूट्स जरूरी नहीं है अभी। सो अड़ी जिलिंग या सो नुके गेदे खान के बेटर हुआ। सो इसके रूट्स में कट कर दूंगी और पहले इसको अच्छी तरह से मैं धो लूंगी और जितने भी प्लांट खराब हो गए या तो खराब पोर्शन उना को ना गेदे यहाँ। सो और भी कहीं अंदर तीन नॉइ निकल निकल करा और नॉइ कट कर दी। सो लोटस रहे तो लोटस के प्लांट में जो रूट्स रहते हैं या तो इसके रनर रहते हैं सो उनाते हुई गया को। सो ट्यूबर जहाँ तक है ना और नुई रहे तो उनका बनो नहीं। सो आज बल्ब के जो दी 7 खान ठीक है इसके बल्ब देखिए ये थोड़ा सा ऊपर से खराब हो रहा था जितना पोर्शन खराब हो गया मैं इसको कट की हूँ और उन्हें गेट कर दी और जहाँ तीन ठीक है उना तो हुई और नुई के फंगिसाइड ना लगाई। सो कट जहाँ कट करी उन्हें फंगिसाइड लगा आते और बार पे दिन लगे नुके ड्राई लगे धोई। सो दो तीन दिन के लिए इसको ड्राई करने के ड्राई
रख दूंगी, इसको पानी में नहीं भिगा के रखूंगी, ये ड्राई रह जाएगा। और बाकी बात दारे को दोनों इनके फंगी सर दारे दो जो भी कर कोई और नूने था उमले, आपको इसको शेड में रखना है 2 दिन के लिए, नहीं तो सितुम जस्ती है सो 2 दिन काफी है नहीं। लेकिन और बाकी बात नुकू को जहाँ दिशम कोई गुलर को अंडे धो कर कोई और नोडे किसी हाथे लिप्त प्रोपोगेट लड़ को उनको रह कर कोई। सो 2 दिन पर इन चिल्का सोयल मिक्स बनाई ओना हाँ पे सलाह शेयर रही ना, और 2 दिन के बाद में जो भी सोयल मिक्स बनाऊंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। और तेहनिया ब्लॉग में तो नैने गया, ब्लॉग जो कुछ देखना फिर लाइक पे शेयर पे सब्सक्राइब।